ओनली वंस ए की बार यूज करने हैं। और फाइंड क्या करना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट फाइव डिजिट नंबर तो डिजिट हमें यह गीवन है डिजिट है सिक्स से टू सेवन फोर थ्री तो इनसे जब हम ग्रेटेस्ट नंबर बनाएंगे ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट का जो नंबर बनाएंगे वो क्या बनेगा जो ग्रेटेस्ट जब नंबर बनाएंगे तो सबसे पहले सबसे बड़े वाला डिजिट लिखेंगे हम सेवन फिर सिक्स उसके बाद फोर थ्री और टू और इस तरह से जब हम लीस्ट फाइव डिजिट नंबर लिखेंगे तो क्या करेंगे सबसे छोटे वाला डिजिट जो है वो पहले आएगा मीन्स ये नंबर रिवर्स हो जाएगा टू थ्री फोर सिक्स सेवन इन्हीं डिजिट से पहले हमने ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर निकाल दिया फिर लीस्ट फाइव डिजिट नंबर निकाल दिया और अब हमें क्या करना है फाइंड द डिफरेंस तो डिफरेंस फाइंड करना है हमने डिफरेंस निकालना है मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस कर लेंगे इनको ट्वेल्व माइनस सेवन फाइव तो ट्वेल्व माइनस सिक्स सिक्स थर्टीन माइनस फोर नाइन या फाइव बचा था फाइव माइनस थ्री टू एंड सेवन माइनस टू फाइव सो आंसर विल बी फिफ्टी टू थाउजेंड नाइन हंड्रेड सिक्सटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स ए मशीन ऑन एन एवरेज मैनुफैक्चर टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी डे हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन दंथ जनवरी टू थाउजेंड सिक्स तो एक मशीन ऑन एन एवरेज मीन्स एवरेज पे मींस किसी दिन वो कुछ स्क्रूज ज्यादा बनाती है किसी दिन कुछ कम बनाती है लेकिन एवरेज बेस पे हम देखें तो वो एक दिन में टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव स्क्रूज मैन्युफैक्चर करती है मीन्स बनाती है तो हाउ मैनी स्क्रूज डिड इट प्रोड्यूस इन दी मंथ ऑफ जनवरी तो जनवरी के मंथ में वो कितने स्क्रूज प्रोड्यूस करेगी और जनवरी कौन सी ईयर की है टू थाउजेंड सिक्स की तो जनवरी तो किसी भी मंथ की हो जनवरी में डेज कितने होते हैं थर्टी वन हमें जनवरी दिया हुआ है तो जैन में डेज होते हैं थर्टी वन डेज और यहाँ पे आपको क्रैम नहीं करना कि हमें थर्टी वन डेज ही लेने हैं अगर यहां फरवरी दिया होता फैब टू थाउजेंड सिक्स दिया होता तो हम ये चेक करते कि फैब में टू थाउजेंड सिक्स में कितने डेज थे ट्वेंटी एट या फिर ट्वेंटी अगर टू थाउजेंड सिक्स लीप ईयर होगा तो यहाँ पे ट्वेंटी नाइन डेज होंगे और अगर सिंपल ईयर होगा तो ट्वेंटी एट डेज होंगे तो यहाँ पे आपको क्रैमिंग नहीं करनी है कि आपको जनवरी को टू थर्टी वन डेज तो कोई भी मंथ आपको गिवन हो सकता है सो so, मशीन मैन्युफैक्चर्स ये जो मशीन थी मशीन मैन्युफैक्चर्स स्क्रूज इन वन डेज इन वन डे कितने बनाती है वन डे में गिवन है हमें टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव और हमें जनवरी में निकालना था मीन्स थर्टी वन डेज में कितने स्क्रूज वो मशीन बनाएगी तो वन डे का हमें गिवन है और ज्यादा का निकालना हो तो क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं तो टू थाउजेंड टू हंड्रेड टू थाउजेंड एट हंड्रेड ट्वेंटी फाइव की मल्टीप्लाई थर्टी वन से करेंगे तो जो आंसर आएगा उतने स्क्रूज वो मशीन प्रोड्यूस करेगी थर्टी वन डेज यानी कि जनवरी में तो थर्टी वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं वन से मल्टीप्लाई की एज इट इज आ गया थ्री से मल्टीप्लाई की थ्री फाइव फिफ्टीन वन थ्री टू जर सिक्स एंड्रेड वन सेवन थ्री एयर ट्वेंटी फोर टू बच गया थ्री टूज टू एट फाइव सेवन फिफ्टीन काउजेंड फाइव हंड्रेड सेवनटी फाइव स्क्रूज आ जाएंगे मल्टीप्लाई करके एट्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवनटी फाइव स्क्रूज इट मींस वो मशीन जनवरी टू थाउजेंड सिक्स में एटी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड सेवेंटी फाइव स्क्रूज मैन्युफैक्चर करेगी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन ए मर्चेंट के पास सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी टू रुपीस थे शी प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर परचेजिंग फोर्टी रेडियो सेट्स तो उसने फोर्टी रेडियो सेट्स खरीदने के लिए ऑर्डर प्लेस किया क्योंकि जो मर्चेंट होते हैं वो भी तो कहीं से सामान खरीद के लाते हैं तो पहले उसने क्या किया अपनी शॉप के लिए फोर्टी रेडियो सेट्स खरीदे और कैसे खरीदे उसने एट रूपीज ट्वेल्व हंड्रेड ईच ईच मींस कॉस्ट ऑफ वन रेडियो वॉज रूपीज ट्वेल्व हंड्रेड की एक रेडियो की कॉस्ट ईच का मतलब हर एक तो एक रेडियो की हर एक रेडियो की कॉस्ट कितनी थी ट हंड्रेड रुपीज तो हाउ मच मनी विल रिमेन विद हर आफ्टर द परचेज तो ये फोर्टी रेडियो सेट परचेज करने के बाद उस मर्चेंट के पास कितने पैसे बचेंगे तो इतने पैसे लेके वो मर्चेंट मार्केट में गई और उसने क्या ऑर्डर प्लेस किया फोर्टी रेडियो सेट्स का और जिनकी कॉस्ट थी ट्वेल्व हंड्रेड इंच मींस कॉस्ट जो थी कॉस्ट ऑफ वन रेडियो सेट इक्वल्स टू रूपीज ट्वेल्व हंड्रेड तो हम देख लेते हैं उसने जो फोर्टी रेडियो सेट्स खरीदे थे उसके लिए उसको कितने पैसे खर्च करने पड़े तो अगर वन रेडियो की कॉस्ट ट्वेल्व हंड्रेड है और हमें फोर्टी की फाइंड करनी है तो ज्यादा कॉस्ट होगी मल्टीप्लाई करेंगे जब वन की कॉस्ट गिवन और ज्यादा के निकालने तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ट्वेल्व हंड्रेड की फोर्टी से मल्टीप्लाई करनी है मल्टीप्लाई में आपको ये पता होगा अगर जीरो होती है नंबर में तो हम पहले को एज इट इज लिख लेते हैं टू जीरोज यहां यहाँ पे तो ये थ्री थे लिख ली और नंबर क्या बचा हमारे पास टू फोर एंड जार फोर्टी एट मीन वो जो फोर्टी रेडियो सेट उसने खरीदे वो कितने के आ गए फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज के अब हम ये देखते हैं कि उसके पास सेवनटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी टू रुपीज थे और उसने फोर्टी एट थाउजेंड के रेडियो सेट्स खरीद लिए तो और बाकी उसके पास कितने पैसे बचेंगे तो लेफ्ट मनी निकालने के लिए हम क्या करते हैं माइनस तो हम निकलेंगे कि मर्चेंट हैड मनी कि उसके पास पैसे कितने थे सेवेंटी एट थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी टू रुपीज थे और शी स्पेंट मनी उसने पैसे खर्च कर दिए ना फोर्टी रेडियो सेट्स खरीदे तो फोर्टी एट थाउजेंड रुपीज उसने स्पेंड कर दिए तो शी स्पेंट मनी वो खर्च कर दिया उसने रूपीज फोर्टी एट थाउजेंड तो हमें निकालना क्या है मनी लेफ्ट विद हर यही पूछा था फाइंड द रिमेनिंग मनी विद हर आफ्टर द परचेज तो मनी लेफ्ट कितने पैसे बच गए माइनस कर लेंगे टू नाइन फाइव एट माइनस एट जीरो एंड सेवन माइनस फोर थ्री तो रुपीज थर्टी थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी टू उसके पास बच गए तो यहाँ पे भी आपको क्रैमिंग नहीं करनी पिछले समय मैंने बताया था जरूरी नहीं है वो मर्चेंट फोर्टी रेडियो सेट खरीदे यहाँ आपको फिफ्टी रेडियो सेट दिए जा सकते हैं थर्टी दिए जा सकते हैं और रेडियो सेट की कॉस्ट भी चेंज हो सकती है और जो मनी उसके पास थी वो भी कम या ज्यादा हो सकती है तो हर एक क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है क्रैमिंग नहीं करनी और प्रैक्टिस करते रहनी हर एक क्वेश्चन की तो ये जो क्वेश्चन आपने समझे हैं इन्हें रफ नोटबुक में आप एक बार फिर से करके देखें थैंक यू